तो हेलो गाइस वेलकम बैक तो जैसे आपने पिछली वीडियो अगर आपने हमारी मेरी देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो में डाला था कि हम कैसे होम्योपैथिक ड्रग्स को प्रिपेयर करते हैं बाय ओल्ड मेथड और ये सब किसने स्टार्ट किया था कितनी क्लासेस थी और सब कुछ मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया था बिल्कुल बताया था आपको और मैंने इतने अच्छे से बताया था कि ऑलमोस्ट सबको उस टाइम ही याद हो गया होगा मोस्ट ऑफ द चीज़ें पर फिर भी हमें हर एक क्लास को डिटेल में पढ़ना था और मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि हम हर क्लास को डिटेल में भी देखेंगे तो ये वीडियो उसी पे है कि हम हर क्लास को उसके बारे में देखेंगे कि उस क्लास में सबसे फर्स्ट मेडिसिन कौन सी बनी थी या उसमें मेन या क्या प्रोसेस लगते हैं और एवरीथिंग अराउंड दैट क्लास तो हम सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं और अगर आपने ये वाली वीडियो पहले नहीं देखी है तो पहले ये वाली देख लेना इससे ना सबसे पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और फिर जब आप अभी की वीडियो देखोगे और जब अभी के हर क्लास को डिटेल में पढ़ोगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा और फिर आपको कोई और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगर क्लास किए तो सबसे पहले

कैसे बना है तब आपको पता चलेगा कि वन रेशियो वन कैसे आया पर मैं यहां पे बता देती हूं कि जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो हम एक रेशियो ड्रग का लेता है वन पार्ट और दूसरा पार्ट व्हीकल का लेता है ठीक है तो ये इस रेशियो में होता है उसके बाद व्हीकल इसमें कौन सा यूज़ किया जाता है तो स्ट्रांग एल्कोहल इसमें हमें यूज़ करना होता है तो हमें याद रखना होगा इसमें स्ट्रॉन्ग एल्कोहल यूज़ करता है ठीक है तो क्लास वन में सबसे पहली मेडिसिन जो प्रिपेयर की गई थी वो थी बेलाडोना बेलाडोना एक मेडिसिन है जो प्रिपेयर किया गया था और वो क्लास वन फैमिली का है और क्लास वन का है मतलब ठीक है उसके बाद ड्रग पावर क्या होता है तो ड्रग की पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं मेन तो ये चीज होती है तो ड्रग की पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले जो जो फर्स्ट पार्ट होगा ये जो पार्ट है ये वो चीज शो कर रहा है कि कितना रेशियो है ड्रग का मतलब कितना पार्ट है ड्रग का तो पार्ट कितना था डग का वन तो वन पार्ट उसके बाद अपॉन टोटल तो ये टोटल कितना है मिला के तो टू तो इसलिए इसकी जो ड्रग पावर है वो वन बाय टू होगी तो ऐसे करके हम इसकी ड्रग पावर निकालते हैं और अगर आपको जाना है ड्रग पावर क्या होता है तो ड्रग पावर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ड्रग पावर सिंपली

कि क्लास वन वन में वन में हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा कौन सा मेडिसिन इसका सबसे पहले प्रिपेयर किया क्या व्हीकल यूज़ किया जाता है और इसकी ड्रग पावर क्या है रेशियो ऑफ ड्रग और इस टू तो व्हीकल क्या है ये सब पता चलेगा होगा अब हम इसका प्रिपरेशन आते हैं कि क्लास वन में जो मेडिसिन बनती है उनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है तो इसकी प्रिपरेशन बहुत ही इजी है तो इसकी प्रिपरेशन में क्या करना होता है कि अगर जैसे सपोज कोई भी आप आ, किसी भी पार्ट से हमें बनाना है तो हम वो रिक्वायर्ड पार्ट ले लेंगे जैसे सपोज हमें लीव से बनाना है तो हमने लीव्स ले लिया या जो भी उसका रिक्वायर्ड पार्ट है उसको कट करेंगे उसका पल्प निकालेंगे और फिर उसको अच्छे से छान मतलब पल्प निकाल के मतलब अच्छे से क्लॉथ से अच्छे से जो भी सिकुड़ या जो भी करते हैं वो करके इसका अच्छे से जूस निकाल लेंगे और ये इजिली जूस भी निकाल निकल जाएंगे इनमें से क्योंकि मैक्सिमम जूस कंटेंट वाला है ठीक है तो इसमें जूस निकाल देंगे उसके बाद जो वो जूस निकला है उसको इक्वल अमाउंट इक्वल अमाउंट

की मेडिसिन बनते हो है मदर टिंचर बना है ठीक है मदर टिंचर इज द लोएस्ट पोटेंटाइज्ड फॉर्म ऑफ एनी ड्रग ठीक है तो मदर uh, टिंचर तो प्रिपेयर हो गया पर अब हम उसको पोटेंटाइज करना है मतलब हमें उसको कोई मेडिसिन की पोटेंसीज में लेकर आना है ठीक है पोटेंसी क्या होती है एबिलिटी होती है या पावर uh, होती है एक ड्रग की ठीक है तो पोटेंटाइजेशन करने के लिए हम या तो उसको सेंटिसमल स्केल में करेंगे या डेसिमल स्केल में करेंगे अगर हम डेसिमल स्केल में करते हैं तो हम दो पार्ट मदर टिंचर कर लेंगे ये दो पार्ट मदर टिंचर का ये सिंबल होता है ऐसे ठीक है तो दो पार्ट मदर टिंचर लेंगे और आठ पार्ट डाइल्यूट एल्कोहल कर लेंगे ठीक है तो दो पार्ट हमने का लिया है एट पार्ट डायल्यूट एल्कोहल का लिया उन दोनों को मिक्स करेंगे और दस डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूं शॉर्ट में क्या होता है इसमें हम इक्वल डिस्टेंस से हम उसको स्ट्रोक्स देते हैं मतलब किसी कंटेनर में आप दो पार्ट ये ले लीजिए आठ पार्ट ये ले लीजिए और दोनों को हमें मिक्स करना है लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स के साथ इसलिए हम क्या करते हैं थम मतलब कोई भी हम चीज जैसे कोई भी हम सामान ले रहे हैं जैसे तो सपोज ये वाली बॉटल इसके अंदर हम ड्रग बना रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे हम ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको थम यहाँ ऊपर रखेंगे और इसको हम ऐसे करके डाउनलोड स्ट्रोक्स देंगे मतलब इसको एक तरीके से हम इसके अंदर हम एनर्जी क्रिएट करेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना है अपने ईयर ईयर पिनना से लेकर हम अपने एम्बायलिकस रीजन तक इसको स्ट्रोक देते हैं तो इसको कहते हैं डाउनलोड स्ट्रोक्स तो ऐसे हमें दस डाउनलोड स्ट्रोक्स देना है अभी दस डाउनलोड स्ट्रोक देने के बाद जो आपको प्रिपेयर होगा वो होगी वन पोटेंसी तो वन एक्स एक्सेस डेसिमल स्केल की मतलब कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करते हो तो वन एक्स आपका प्रिपेयर हो जाएगा अब अगर हमें इससे हमें क्या बनाना है अगर हमें वन पोटेंसी हमारी बन गई अब हमें टू पोटेंसी बनानी है इसके बाद वाली बनानी है तो हम क्या करेंगे कि इसका हम वन पार्ट लेंगे और फिर उसी और जो व्हीकल है उसका नौ पार्ट लेंगे जैसे यहाँ पे व्हीकल क्या है हमारा अल्कोहल है ना हमने बताया था व्हीकल यूज क्या होता है स्ट्रांग एल्कोहल ठीक है तो हम वो वाला लेंगे नौ पार्ट और बाकी हम वन पार्ट लेंगे उसके ऊपर वाली पोटेंसी का तो जब हम उसके बाद जब उनको मिक्स करके टेन डाउनोर्ड स्ट्रोक्स देंगे तब जो पोटेंसी बनेगी वो होगी टू एक्स स्केल अब सेंटिसमल स्केल देख लेते हैं सेंटिसमल स्केल को इन दोनों से डिनोट करते हैं सी एस सी एच ठीक है इसमें क्या करेंगे दो पार्ट वापस मदर टिंचर का लेंगे ठीक है मदर टिंचर का दो पार्ट लिया और नाइनटी एट पार्ट डायल्यूट एल्कोहल का ठीक है डायल्यूट एल्कोहल भी ले लिया अब इन दोनों को वापस मिक्स करना है दस डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देना है मैंने बताया कैसे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देते हैं ठीक है तो हम दस डाउन स्ट्रोक्स भी दे देंगे तो दो पार्ट हमने लिया मदर टेंशन 98 एट पार्ट लिया डाइल्यूट अल्कोहल और उसके बाद हम मिक्स करेंगे और दस डाउन स्ट्रोक्स देंगे फिर जो बनेगा वो बनेगी फर्स्ट पोटेंसी या वंसी जो है वो रेडी हो जाएगी सिमिलरली अगर आपको टू सी पोटेंसी बनानी है तो आपको करना पड़ेगा वन सी जो हमने मेडिसिन प्रिपेयर की थी पहले जो पोटेंसी प्रिपेयर की थी जिससे पहले वाली उसका हम एक पार्ट लेंगे और व्हीकल के नाइनटी नाइन पार्ट लेंगे आपको बस याद रखना है कि जब हम स्टार्टिंग में जब हम मदर टेंचर से प्रिपेयर करते हैं फर्स्ट एक्स पोटेंसी तो टू और नाइन्टी एट होता है यहां पे टू और एट होता है लेकिन बाद में हम इसके बाद कोई भी पोटेंसी बनाएंगे तो वन पार्ट और नाइन्टी नाइन पार्टस करके ही लेंगे ठीक है क्यों वन बाय नाइन्टी नाइन क्यों लेंगे क्योंकि आपको पता होगा कि सेंटिस्मल स्केल में उसके बाद

ठीक है तो जल्दी जल्दी हम क्लास टू भी देख लेते हैं तो क्लास टू में हम कौन सा टाइप के लेते हैं वेजिटेबल किंगडम विथ लेस या स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जूस ठीक है या इसको आप मीडियम भी लिख सकते हैं मीडियम क्वांटिटी ऑफ जूस इसमें होता है ठीक है इसके बाद इससे फर्स्ट मेडिसिन जो इस क्लास में प्रिपेयर की गई थी वो थी थूजा ठीक है थूजा हमें हम इसमें प्रिपेयर करते हैं सबसे पहले मतलब सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था ठीक है इसमें रेशियो ऑफ ड्रग और इस टू व्हीकल क्या होता है थ्री रेशियो टू इसमें ड्रग पावर कितनी होती है वन रेशियो थ्री ठीक है इसके बाद इसका प्रिपरेशन भी है बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्लास वन की मेडिसिन बनाई थी सबसे पहले हमने जो भी हमें पार्ट चाहिए जैसे हमें मेडिसिन बनानी है उस पार्ट का हम पल्प निकालेंगे उसका जूस निकालेंगे जो कि यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि इसका जो रेशियो ऑफ डॉग इज टू व्हीकल है वो थ्री रेशियो टू है तो इसमें एक आता है कि हमने क्लास वन में क्या किया था कि हमने इक्वल अमाउंट में ले लिया था लेकिन इसमें क्या करेंगे हम तीन पार्ट लेंगे मेडिसिनल सबसे और दो पार्ट लेंगे स्ट्रांग एल्कोहल के उसके बाद उनको मिक्स करके रख देंगे आठ दिन का आठ दिन तक बिना टच किए बिना उनको डिस्टर्ब किया और उसके बाद आठ दिन बाद जो बनेगा वो

का और 99 पार्ट लेंगे स्ट्रांग अल्कोहल का वापस 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देंगे उसके बाद हमारा क्या पेपर हो जाएगा 2c पोटेंसी सिमिलरली यहां पे भी वन पार्ट वन एक्स पोटेंसी और 9 पार्ट स्ट्रांग अल्कोहल का उसके बाद 10 डाउनवर्ड स्ट्रोक्स और बन के प्रिपेयर हो जाएगा 2x पोटेंसी तो ये था क्लास टू का बहुत इजी था बहुत चीजें सिमिलर थी बस आपको एक चीज याद रखनी है कि कौन सी मेडिसिन सबसे पहले इससे प्रिपेयर हुई थी क्या रेशियो है ड्रग और टू व्हीकल का और क्या रेशियो है ड्रग पावर का मतलब क्या है ड्रग पावर उसके बाद कितने मेडिसिन के पार्ट लिए गए थे कितना स्ट्रॉग एल्कोहल लिया था तो ये था क्लास टू अब देख लेते हैं क्लास थ्री जल्दी जल्दी ठीक है तो क्लास थ्री में क्या होता है इसके अंदर मोस्टली अमेरिकन या सम यूरोपियन ओरिजन के प्लांट्स थे तो मैंने ये चीज आपको उस दिन भी बताई थी कि इसमें यूरोपियन होते हैं इसमें यूरोपियन और इसमें यूरोपियन और अमेरिकन दोनों मिक्स होते हैं और ये लीस्ट जूसी प्लांट होता है ठीक है तो हम जल्दी क्लास थ्री भी देख लेते हैं तो क्लास थ्री में कौन से थे मोस्टली अमेरिकन और सम यूरोपियन प्लांट्स के ओरिजिन थे और ये वेजिटेबल किंगडम के हैं विथ लीज जूस ये मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि इसमें लीज जूस, जूसी प्लांट्स होते हैं और यूरोपियन और अमेरिकन ओरिजिन के होते हैं और इसे हम मदर टें प्रिपेयर करते हैं क्लास थ्री की हम बात कर रहे हैं ठीक है उसके बाद मैंने क्या और बताया था कि आ, ठीक है इतना तो हमने पिछली क्लास में पिछले टाइम हमने लेक्चर में देख लिया था बाकी इसका हम देखेंगे कि रेशियो ऑफ डॉग और सब स्टांस इस टू व्हीकल कितना है तो वन रेशियो टू इसको आप याद रख सकते हो इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रेशियो ऑफ ड्रग सब्सटेंस इस टू व्हीकल क्योंकि इसी से आपको समझ आएगा कि जब हम मदर टिंचर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम कितना उसका पल्प का मतलब तो इतना जूस ले और कितना हम अल्कोहल ले और उसके बाद उनको हमें छोड़े कि मदर टिंचर प्रिपेयर हो जाए जैसे हमारे यहां पे थ्री टू था तो आपको याद होगा हमने मेडिसिनल सब्सटेंस तीन पार्ट में लिया था दो पार्ट स्ट्रॉग एल्कोहल का लिया था सिमिलरली उधर पीछे वाले में इक्वल था वन रेशियो वन था हमने को इक्वल अमाउंट्स में लिया था यहां पे वन रेशियो टू है तो इसलिए वन पार्ट हम क्या लेंगे वन पार्ट हम लेंगे मेडिसिनल का या वन पार्ट मेडिसिनल लेंगे मतलब पल्प निकालेंगे और उसके टू टाइम्स उसका अल्कोहल दे, दे देंगे वेट ठीक है उसके बाद उसको आठ दिन बिना कुछ किए डिस्टर्ब किए छोड़ देंगे उसके बाद जो आपको प्रिपेयर करके मिलेगा वो होगा मदर टेंचर तो ऐसे हमारा प्रिपेयर होता है क्लास थर्ड की मेडिसिन ठीक है उसके बाद एक और चीज आपको है कि क्लास थर्ड में फर्स्ट मेडिसिन जो प्रिपेयर की गई थी इस मेथड से वो थी स्किला या सिला जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहे सिला ठीक है तो ये प्रनाउंस ये फर्स्ट मेडिसिन थी जो क्लास थ्री में प्रेजेंट थी जो बनाई गई थी ठीक है तो अब हम इसका देख लेते हैं पोटेंटाइज कैसे होती है ये मेडिसिन ठीक है तो पोटेटाइज में हम डेसिमल स्केल में देख लेते हैं इसमें क्या करेंगे हम सिक्स पार्ट लेंगे मदर टिंचर का और फोर पार्ट लेंगे डाइल्यूट अल्कोहल का वापस दस डाउनलो स्ट्रोक्स देंगे और हमारी प्रिपेयर हो जाएगी वन पोटेंसी पीछे वालों में हमने सब में टू पार्ट मदर टिंचर और नाइनटी नाइन टू पार्ट मदर टिंचर और एट पार्ट हमने डायल्यूट एल्कोहल या व्हीकल लिया था लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हम सिक्स पार्ट मदर टिंचर लेंगे और फोर पार्ट डायल्यूट एल्कोहल लेंगे देंगे वापस दस डाउनलो और फर्स्ट एक्स उसका पार्ट लेना है और नाइन पार्ट आपको वापस लेना है डायल्यूट अल्कोहल का तो फिर से दन, दस डाउन स्ट्रोक्स देना और इस बार जो आपकी बनेगी वो होगी टू एक्स पोटेंसी तो ऐसे अगर आपको थ्री एक्स बनानी है तो आप टू एक्स का वन पार्ट लोगे फिर नाइन पार्ट्स आप लोगे अल्कोहल या कोई भी वहीकुल का उसके बाद उसको दस डाउन स्ट्रोक दोगे तो इस बार जो बनेगा वो होगा थ्री एक्स पोटेंसी तो ऐसे आप आगे की तो बना सकते हो बस स्टार्टिंगली मदर टें और नाइनटी फोर पार्ट लेंगे हम डायल्यूट एल्कोहल के ठीक है फिर से इसको दस डाउन स्ट्रोक देंगे और इस बार प्रिपेयर हो जाएगी वन सी पोटेंसी सिमिलरली अगर टू सी पोटेंसी बनानी है तो आपको क्या लेना है वन पार्ट ले करना है और फिर आपको लेनेटी नाइन पार्ट्स डाइल्यूट एल्हल के वापस उसको दस डाउन तो पोटेंसी बन जाएगी ऐसे अगर आपको थ्री सी बनानी है तो आपको टू सी का वन पार्ट लेना है फिर नाइन नाइन पार्ट को लेना है डायलूट एल्कोहल का वापस दस डाउन स्ट्रोक देना तो इस बार आपकी जो प्रिपेयर होगी वो होगी थ्री सी पोटेंसी ठीक है तो आगे की पोटेंसीज बनाना बहुत ईजी है पर आपको फर्स्ट चीज याद रखेंगे फर्स्ट ईयर किस रेशियो में लिए गए थे तो अभी तक आपको क्लास थ्री की मेडिसिन तक आ गया होगा अब लास्ट देख लेते हैं क्लास फोर की मेडिसिन तो क्लास फोर की मेडिसिन आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी बताया था कि क्लास फोर की मेडिसिन कैसे प्रिपेयर की गई थी ड्राइड वेजिटेबल या एनिमल सब्सान से ठीक है तो और इसे हम क्या बनाते थे मदर टिंचो वेरी नॉर्मल ठीक है उसके बाद अब इसको कैसे बनाना है अब अगर ये ड्राइड है तो आपको याद रखना होगा एक चीज आप ऐसे दिमाग में ले सकते हो कि ड्राइड है तो इसमें जो एल्कोहल हम जब बाद में प्रिपरेशन करेंगे तो एल्कोहल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा होगी एज प्रीवियस ठीक है सब में हमने इक्वल पार्ट लिया था या दो पार्ट ले लिया था लेकिन इस इसके पांच गुना वेट कर हम इसमें अल्कोहल डालेंगे ठीक है हम प्रिपरेशन पहले बाद में आते हैं पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो क्लास फोर में ड्राइड वेजिटेबल किंगडम की होती है या एनिमल भी हो सकता है उनका पल्प और इसमें जो फर्स्ट मेडिसिन जो प्रिपेयर की गई थी वो थी स्पिजेरिया या स्टेफाइस सेगेरिया ठीक है तो आप इसको कैसे प्रोनाउंस कर सकते हो ये यह यहां पे लिखा है मैंशन है ठीक है उसके बाद इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं अगर आप एनिमल से बना रहे हो तो उसका आपको पल्प लेना है अगर आपको प्लांट का लेना है तो वो ड्राई होगा ऑब्वियसली तो उसको अगर आप मिक्सी में घुमाओगे या कहीं पर भी तो उसका फाइन पाउडर बनेगा ठीक है तो पल्प और फाइन इन दोनों को लेके आपको इसके फाइव टाइम्स इसमें अल्कोहल डालना है इन दोनों को लेना है उसका वेट करना है उसके पांच गुना आपको उसमें अल्कोहल मिक्स कर देना है बाय वेट ठीक है दोनों को मिक्स करो अच्छे से पंद्रह दिन तक छोड़ दो लेकिन छोड़ना नहीं है इसमें आप, पीछे वालों में तो छोड़ दिया था लेकिन इसमें आपको छोड़ना नहीं है इसमें क्या करना है पंद्रह दिन तक आपको हर दिन दो बार उसको मिक्स करना है तो टू टाइम्स पर डे आपको उसको मिक्स करना है थोड़ा सा ठीक है हिलाना है ठीक है मिक्सिंग करना है पंद्रह दिन तक दो दिन दो टाइम पर डे ठीक है ट्वाइस अ डे ठीक है उसके बाद पंद्रह दिन बाद आपको जो भी मिक्सचर होगा उसको सीव कर लेना मतलब छान लेना है फिर जो आपका प्रिपेयर होकर मिलेगा वो होगा मदर टिंचर तो आपका मदर टिंचर ऐसे प्रिपेयर हो जाएगा तो ये थी क्लास फोर की मेडिसिन थोड़ा सा यूजल नहीं था मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा उससे थोड़ा अलग था पर यह याद होने वाली चीज है अगर आप याद रखोगे कि इसमें फाइव टाइम्स एल्कोहल का पार्ट लेते हैं और हम इसमें फाइन पाउडर क्यों ले रहे हैं कि ऑब्वियसली वो ड्राइड सब्सटेंस है तो फाइन ही पाउडर बनेगा उसका अगर हम अच्छा से मिक्स करेंगे ठीक है स्वयं टू टाइम्स अ डे इसको मिक्स करना है पंद्रह दिन तक फिर उसको छान लेना है फिर जो मदर टिंचर प्रिपेयर हो जो मिलेगा वो उसको हम मदर टिंचर बोलेंगे अब इसको पोटेंटाइजेशन की जो टेक्निक होगी वो भी थोड़ी मतलब टेक्निक सेम होगी पर रेशियो अलग हो जाएगा ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम दस पार्ट लेंगे मदर टिंचर का और नाइनटी पार्ट लेंगे एल्कोहल का ये मैं बता रही दू सेंटिसमेल स्केल का ये है सेंटिसमेल स्केल के लिए जो भी इसकी पोटेंटाइजेशन की टेक्निक तो सेंटिसमेल स्केल के लिए क्या करेंगे दस पार्ट लेंगे जो मदर टिंचर किया गया है नाइन्टी पार्ट इसमें एल्कोहल मिक्स कर देंगे दस डाउन स्ट्रोक्स देंगे और जो हमारी बनकर प्रिपेयर होगी वो होगी वन सी पोटेंसी तो हमारी प्रिपेयर हो गई वन सी पोटेंसी अब अगर आपको इसका वो बनाना ठीक है ये तो हो गया है सेंटिसमल स्केल. स्केल में एक बात लिखी है यहां पे कि जो इसकी जो पोटेंटाइजेशन है हमें इसको वन एक्स पोटेंसी बनाने के लिए हमें इसको पोटेंटाइज नहीं करना पड़ेगा क्यों नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें जो इसकी जो जो बनेगा मदर टिंचर वो सेम होगा

ठीक है तो ये वन पोटेंसी बन गई पर अगर आपको इसकी टू एक्स बनानी है तो आपको वही सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा वन एक्स मतलब जो हमने लिया है इसको हम लेंगे इसका वन पार्ट और नाइन पार्ट लेंगे हम व्हीकल का उसको अच्छे से दस डाउनलोड स्ट्रोक्स देंगे और जो आपकी प्रिपेयर होगी वो होगी टू एक्सपोटेंसी तो आपको पोटेंटाइज इसमें डेसिमल स्केल की फर्स्ट एक्सपोटेंसी को नहीं करना पड़ता क्योंकि जो मदर टीचर है उसी को हम वन एक्सपोटेंसी यहाँ पे कहते हैं क्योंकि दोनों की ड्रग पावर सेम है ठीक है तो ये हमने क्लास फोर तक समझ लिया है थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो पर आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और इसको ना आप एक बार लर्न कर लो हर रेशियो को ना आप एक तरह से चार्ट बना बनाकर लिख लो कि किसमें कितनी ड्रग पावर है किसमें कितना का रेशियो देता है किसको कितने दिन छोड़ देता है किसमें कौन सी मेडिसिन फर्स्ट प्रिपेयर की गई थी किसका क्या ड्रग पावर है ये सब एक बार ना आप चार्ट एक टेबल बना के रख लो और उसको ना अपने सामने रखोगे ना एक दो दिन में सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा सो दैट्स इट फॉर द वीडियो और इसके आगे की जो पोटें इसके आगे की जो क्लासेस हैं वो हम नेक्स्ट बार अच्छे से करें लेंगे तो अभी फोर नहीं फाइव और बची है मतलब फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक बची है तो नेक्स्ट uh, में हम वापस कर लेंगे तो अगर आपको पसंद आई और अगर आपको लगता है कि सच में मैं बहुत अच्छा समझा रही हूँ और अगर आपको समझ आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो हम बात कर रहे हैं या उनको नीड हो सकती है इस वीडियो की तो उनको भी प्लीज़ शेयर कर देना तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज और बाय